प्रिंटर्स के इलावा जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर जो आउटपुट डिवाइस है ये ज्यादातर यूज होती है डिज़ाइन में ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, व्हीकल्स के आर्किटेक्ट बनाने में बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स या मैप्स बनाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने के लिए जो है प्लॉटर्स uh, यूज होते हैं जिनका जो प्रिंट आउट है वो सिंपल पेपर पे नहीं निकलता ये बड़ी बड़ी शीट्स में हम अक्सर देखते हैं कि फ्लेक्सेस uh, होते हैं बड़े बड़े अ uh, uh, बहुत बड़े बड़े मैप्स होते हैं वो प्रिंट आउट हुए हुए होते हैं यूजिंग प्लॉटर क्योंकि इस तरह की uh, जो बड़े बड़े प्रिंट्स हैं वो हमारे पास प्रिंटर के ऊपर प्रिंट नहीं हो सकते प्लॉटर की जो है दो टाइप्स होती हैं सबसे पहली टाइप है फ्लैट बेड प्लॉटर फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो बिल्कुल एक आ, टेबल की तरह प्लॉटर होता है जिसके ऊपर जो है पेज को इस तरह से ये फ्लैट बेड प्लॉटर है इसके ऊपर यहां पर इस तरह की एक टेबल लाइक जो जगह है यहाँ पर बड़ा सा आपका जो पेज होता है या जो भी बैनर होता है या जो भी मैप आपने बनाना है कुछ भी ड्रॉ करना है उसको प्लेस किया जाता है और यहाँ पर इसके पास कुछ पेन्स होते हैं कुछ हेड्स होते हैं जहां के जहाँ पे जिस तरह हम लोग खुद से ड्राइंग ड्रॉइंग ड्रॉ करते हैं किसी पेपर के ऊपर बाय यूजिंग अ पेन और पेंसिल इसी तरह जो प्लॉटर है उसके पास भी कुछ सेट ऑफ पेन होते हैं जिस जो कि डिफरेंट इंक्स के भी होते हैं सेम इंक के भी होते हैं ज्यादातर तो जो है दो से चार पेन होते हैं और वो पेन जो है उसको यूज करते हुए इस शीट के ऊपर ड्राइंग की जाती है चाहे वो आर्किटेक्चरल मैप हो चाहे वो कोई इंजीनियरिंग व्हीकल की ड्राइंग हो कोई भी एयरक्राफ्ट डिजाइन करना हो कोई भी कॉम्प्लेक्सी ड्राइंग हो कोई मैप ड्रा करना हो किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर ड्रा करना हो तो उसके लिए जो है ये प्लॉटर्स यूज uh, होते हैं और इस तरह से ये प्लॉटर्स जो हैं इसके जो आम है ये पहल, यहां से स्टार्ट होती है और ये जो पेन वाली आम है ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए पेन इसके ऊपर ड्राइंग कर रहे होते हैं जिस तरह के हम लोग खुद से पेन pen या पेंसिल को यूज करते हुए ड्रॉइंग कर रहे होते हैं इसी तरह से ये भी इधर इस पेज के ऊपर ड्राइंग कर रहे होते हैं और इसके पास जो इनपुट जाती है कि उसने किस तरह की पिक्चर ड्रॉ करनी है किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है वो जाती है सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू और कंप्यूटर uh, के पास जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो उसे गाइड करता है और उसके बाद जो है ये पेन्स जो हैं उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इसके ऊपर जो है रिक्वायर्ड uh, क्राफ्ट को ड्रॉ करते हैं और प्लॉटर्स जो है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डिजाइन कार्स शिप्स एयरक्राफ्ट बिल्डिंग हाईवे इस तरह के ड्रॉइंग्स के लिए यूज होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉइंग्स के लिए यूज होते हैं इसलिए जो है इनका प्रिंट आउट प्रोड्यूस होने में पेपर के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगता है इनका जो आउटपुट है uh, काफी uh, घंटों बाद जो है हमें रिसीव uh, होता है जो सेकेंड प्लॉटर की टाइप है वो है ड्रम प्लॉटर इसको रोलर प्लॉटर भी कहा जाता है जो ड्रम प्लॉटर होते हैं उसमें एक्चुअली फ्लैट बेड की तरह इस तरह से एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है साइज में छोटे होते हैं इसमें इस टेबल लाइक स्ट्रक्चर की जगह एक ड्रम होता है और उस ड्रम पे जो है ये बड़ा सा पेज एनरोल्ड हुआ हुआ होता है और सेम इसी आर्म की तरह इसके ऊपर भी एक रोबोटिक ड्राइंग आर्म होती है जिसके ऊपर सेट ऑफ पेन और पेंसिल्स लगा हुआ होता है जो कि इस पेज के ऊपर करते हैं, जो जो भी स्ट्रक्चर्ड रिक्वायर होता है है, उसको। तो ये ड्रम जिसके ऊपर पेज रोल हुआ हुआ होता है ये ड्रम ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और जो आर्म है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट मूव करती है और पेन इसके ऊपर जो है वो रिक्वायर्ड ड्राइंग करते हैं ये भी सेम पर्पसेस के लिए यूज़ होता है जैसे कि किसी घर का आर्किटेक्ट ड्रा करने के लिए मैप्स ड्रा करने के लिए आ, किसी व्हीकल का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए और अगर हमें जिस तरह से कोई कंटिन्यूस रीडिंग्स चाहिए होती हैं कोई कंटीन्यूस वैल्यूज चाहिए होती हैं फॉर एग्जाम्पल अर्थ क्विक स्केल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंटिन्यूस रीडिंग्स तो उसके लिए भी हमारे पास ये ड्रम प्लॉटर यूज होता है आउटपुट जो है वो हार्ड फॉर्म के अलावा सॉफ्ट फॉर्म में भी होता है जिस तरह से कुछ आउटपुट हमारे पास वॉइस म्यूजिक या डिफरेंट साउंड्स की फॉर्म में होता है जो कि टेंजिबल नहीं होता हम सिर्फ और सिर्फ उसको सुन सकते हैं वो चाहे कोई स्पीच हो कोई म्यूजिक हो कोई भी ऑडियो तो इसी तरह हमारे पास जो आउटपुट जो ऑडियो फॉर्म में होता है उसके लिए यूज होती हैं ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस कॉमनली यूज ऑडियो आउटपुट डिवाइसिस में हमारे पास है स्पीकर हेडफोन एयरफोन एयरबड्स या हेडसेट जो स्पीकर ऑडियो आउटपुट डिवाइस होती है इसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और हमारे पास ऑडियो आउटपुट आ जाता है जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है इन फॉर्म ऑफ वॉइस या ऑडियो स्पीकर कुछ जो मॉनिटर्स हैं कुछ सिस्टम्स हैं उसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर भी होते हैं मोबाइल डिवाइसेस में भी बिल्ट इन स्पीकर होते हैं और किसी दूसरी डिवाइसेस में भी हम अक्सर देखते हैं कि आजकल इन स्पीकर्स ही आते हैं अगर इन स्पीकर्स ना भी हो तो हम उसका ऑडियो कार्ड अटैच करके तो स्पीकर जो है कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और इस तरह से जो भी आउटपुट ऑडियो uh, वो हमारे पास होती है कोई म्यूजिक होता है ऑडियो आउटपुट जो है हमारे पास स्पीकर के थ्रू uh, जो है वो रिसीव हो जाता है और हम उसे सुन सकते हैं जो स्पीकर हैं हमारे पास वायर्ड भी होते हैं वायरलेस भी अवेलेबल होते हैं किसी भी तरह से हम उसे साउंड uh, कार्ड को यूज करते हुए मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं Uh, जो दूसरी ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो है हेडफोन एयरबड्स जिस तरह स्पीकर जो है उससे जो ऑडियो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो जो जो उसकी रेंज में होगा सबको सुनाई देगा सब उसको सुन सकते हैं मगर कभी कभी होता है कि हर जगह पे स्पीकर की जरूरत नहीं होती कभी हम ट्रेवल कर रहे होते हैं किसी पब्लिक प्लेस में हर बंदे के लिए वो स्पीकर के थ्रू अगर हम ऑडियो uh, आउटपुट प्रोड्यूस करें ऑडियो आउटपुट रिसीव करें तो वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अनोइंग होता है हर कोई उसे पसंद नहीं करता इसीलिए जो हेडफोन या एयरबर्ड या हैंड फ्री जो हमारे पास ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो यूज होती हैं जिससे जो पर्सन उसको यूज कर रहा होता है जिसके कानों के साथ वो अटैच होती हैं उसी को उसकी आवाज आती है वही वो वाले ऑडियो को सुन सकता है जिस तरह हेडफोन्स होते हैं बड़े बड़े हेडफोन्स वो हमारे हेड के ऊपर एयर के ऊपर इस तरह से हम पहन लेते हैं उससे और उससे हमारे पास ऑडियो आउटपुट आ जाता है इसी तरह जो एयरफोन्स होते हैं या एयरबर्ड्स होते हैं वो भी हमारी एयर कैनाल के अंदर सेट हो जाते हैं और हम उससे ऑडियो जो है वो सुन सकते हैं Uh, इसी तरह जो हेडसेट्स uh, भी अवेलेबल होते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो हेडफोन्स uh, के साथ साथ माइक्रोफोन भी अवेलेबल होता है कि जिसमें हम ऑडियो uh, सुन भी सकते हैं और किसी से अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं कोई बात कर रहे हैं तो उस तक कम्युनिकेट uh, भी कर सकते हैं अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं कि हमें भी वो यूज करें जिस तरह हैंड फ्री में भी आजकल हमारे पास माइक्रोफोन्स आते हैं जिसको यूज करते हुए हम जो है वो ऑडियो सुन भी सकते हैं किसी और से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं